शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए कमल जी दीदी, कोई आदमी मुझसे मिलने आ रहा है। अगर सुधा शर्मा के लिए पूछे तो कहना तुम ही सुधा शर्मा हो, और किसी के लिए पूछे तो कहना वो यह नहीं रहती। लेकिन दीदी बहस मत कर, जल्दी जा, मैं उसे मिलना नहीं चाहती। क्या बात है बेटी, तुम परेशान क्यों? कौन आया? सुधा जी हैं। क्यों? मिलना है। क्यों मिलना है? उन्हीं को बताऊंगा। तो बताइए, मैं ही हूँ सुधा शर्मा। आप हैं सुधा शर्मा जी? क्यों, कोई एतराज है आपको? जी नहीं, एतराज तो नहीं है, मगर हैरानी जरूर है। गाने में तो आपकी आवाज कोयल जैसी लगती है, मगर बोलने में आप... कृपा करके आप मेरा वक्त खराब मत कीजिए। नमस्ते। अच्छा, वो माना ही नहीं कि सुधा शर्मा मैं हूँ। मगर वो था कौन? कौन था बेटा? कोई नहीं मामा जी। नमस्ते। मुझे नहीं सुनी आपकी कोई बात। ब्रह्मा जी, मैं... भैया ये चले जाए तो दरवाजा बंद कर देना और कह देना फिर यहाँ कभी ना आए। देखिए आप, मैंने सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। फिर कभी बता दीजिएगा, मेहरबानी करके अभी आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। किसका फोन था सर? पता नहीं कट गया, लेकिन प्रकाश मुझे ऐसा लगा जैसे दूसरी तरफ कोई था, बोला नहीं। फोन मिला के बोलेगा क्यों नहीं सर, आजकल लाइनें बड़ी गड़बड़ रहती हैं। सुन, बड़े बंगले फोन कर, प्रकाश जी को बुला, उनसे कहे डॉक्टर शिंगल बात करना चाहते हैं। अच्छा, सर हेलो, प्रकाश जी घर में हैं? डॉक्टर सिंघल आपसे बात करना चाहते। प्रकाश, मैं इंदर। देख, मैं जानता हूं कि सर तेरे पास हैं, इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं जरा संभल के सुन। आप कहिए तो। प्रकाश, रमा जी जिंदा हैं, लेकिन देख सर को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। प्रकाश तू यहां आ जा, मुझसे तो वो मिली नहीं, शायद तुझसे मिल ले। ठीक है, मैं अभी आता हूं। किसका फोन था प्रकाश? डॉक्टर साहब का। ऐसा क्या कहा डॉक्टर साहब ने जो तुम घबरा गए? घबराए नहीं थे सर, कह रहे थे उन्होंने एक नया इलाज ढूंढ निकाला है आपका, बहुत एक्साइटेड थे, मुझे अभी बुलाया है। सर लैला बहन यही है, आप इजाजत दें तो मैं हूं जरा। हाँ हो आओ, पर उनसे कह देना मेरे लिए परेशान ना हो। जी सर। क्या हुआ, चाचा की तबीयत तो ठीक है? हाँ। तो फिर क्या बात है? रमा जी जिंदा है। हाँ, इन
रविंद्र ने उन्हें ढूंढ निकाला है। चाचा को बताया? नहीं, डॉक्टर ने उन्हें हर अच्छी बुरी खबर से दूर रखने को कहा है। क्या इंद्र ने खुदरामा को देखा है? हाँ, पर वो उससे मिली नहीं। देखूं, वो मुझसे भी मिलती है या मिलने से इनकार कर देती है। लैला बहन, मैं वहीं जा रहा हूं, तुम सर का जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ, जरूर। लीजिए चाचा। बेटी, तू रो क्यों रही है? आज रमा बहुत याद आ रही है चाचा। भूल क्यों नहीं जाती उसे? अरे जाइए जाइए, हमसे मत बनिए। जैसे कि मैं जानती नहीं उसके बगैर आपकी क्या हालत हो रही है। एक जरा से झूठ बोलने पर उसे घर से निकाल बाहर किया, और खुद जो दिन रात अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं वो कुछ नहीं। आप कैसे आना हुआ? ये देखने आया था कि। अरे, आपने देखना कब से सीख लिया है? जब से लोगों ने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ाना सीख लिया है। बड़ी बात तो यह है प्रताप जी कि आपने भी देखना सीख लिया है। क्या देखा है आपने? देखा कि लोगों ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदला, खुद भी बिल्कुल बदल गए हैं। रमा जी, मैं इस... मेरा नाम सुधा शर्मा है। और क्या क्या देखा है आपने? और ये भी देखा कि आप अपने इस नए नाम और नई जिंदगी से खुश भी हैं। मेरे खुश होने पर तो आपको हमेशा ही इतराज रहा है। मैं सफाई नहीं देना चाहता। सुधा शर्मा को सफाई देने से कोई फायदा भी नहीं है। पर मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि आप इतना बदल सकती हैं। मैंने आपको देवी जानकर पूजा, पर आप देवी नहीं, देवी की मूर्ति निकली, जो ना कुछ देख सके ना महसूस कर सके। जो लोग पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया प्रकाश जी? मैंने तो सुना है सभी बहुत खुश हैं, लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। अरे, मेरे मरने का दुख ही ना हो किसी को तो मरने का मजा ही क्या है, इसलिए मैं जी उठी। पिताजी को बताइएगा मत कि मैं जिंदा हूं, जानकर उन्हें बहुत दुख होगा। कौन पिताजी? मैं सुधा शर्मा के पिता को नहीं जानता रमा जी। मैंने कहा ना। हाँ हाँ, जानता हूं तुम सुधा शर्मा हो, मगर ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है कि तुम जिंदा हो। तुम तो अपने पिताजी के दुखों का अपमान करके अभी अभी मेरे सामने मरी हो। अरे आप, नमस्ते नमस्ते। प्रोफेसर साहब, आप कैसे हैं? जब आपने देखा था उससे भी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे हैं। प्रकाश जी, इतना बिगड़िए मत। उस समय रमा की हालत ऐसी थी कि मुझसे सच नहीं बोला गया। सच? क्या मतलब? ना आप तुम्हें मतलब पूछने का अधिकार है और ना मतलब जानने का। रमा गई? नहीं, प्रकाश के साथ आ रही है। प्रकाश भैया ने सब कुछ बता दिया ना उसे? हाँ, मैंने गाड़ी को पीछे के रास्ते से आने के लिए कह दिया है। ख्याल रहे, सर को अचानक ही पता नहीं चलना चाहिए कि रमा जी जिंदा है। डॉक्टर ने बार बार कहा है कि किसी भी एक्साइटमेंट से उनकी जान को खतरा हो सकता है। रमा जी आ रही है, उन्हें जरा संभाल लीजिएगा लैला बहन। बाबूराम, पंडित जी के लिए नीचे वाला रूम खोलिए। अल्लाह का शुक्र। चल। Thank you.
अभी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। प्रकाश आ गया? जी सर। प्रकाश, क्या कहा तुम्हारे डॉक्टर ने? सर वो हाँ? वो डॉक्टर साहब ने। अरे झिझक क्यों रहे हो भाई? प्रकाश, अब ये दुनिया देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं रही। डॉक्टर बेचारे क्या जाने मेरी आत्मा का नासूर क्या है। फिर वही बात चाचा जान, अब अगर ऐसी बात आपने मेरी सहेली के बारे में की तो मैं चली जाऊंगी यहां से। आज तो उसकी बात तूने ही छेड़ी थी बेटी। मैं तो चाहता हूं कि वो मेरे सपने में भी कभी ना आए, पर ऐसे हो कहां पाता है। कभी कभी तो लगता है वो मेरे पास आई है और कह रही है। क्या कह रही है चाचा? नहीं बेटी, वो ना आए तो ही अच्छा है। उसने मुझे इतना दुख दिया है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। देखा प्रकाश, लैला रूठ कर चली गई। वो समझती ही नहीं कि सुनो, आइंदा मेरे सामने रमा का जिक्र कभी मत करना।